एमएसएमई की 3 स्क्रीन्स जो आपके बिजनेस को करेंगी एक लेवल अप। इंडिया एक ऐसा देश है जहां हर गली या नुक्कड़ पर आपको कोई ना कोई छोटा बड़ा बिजनेस तो देखने को मिल ही जाता है। अब चाहे वो छोटी सी चाय की दुकान हो या कोई बड़ा सा कपड़ों का बुटीक। इन शॉर्ट, आप और मैं दोनों ही ये बात बखूबी जानते हैं कि हमारा इंडिया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी MSME से भरा हुआ है। तो अब सवाल ये है कि इतने सारे बिजनेसेस में से अब आपका बिजनेस अलग कैसे दिखेगा और कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएगा। तो अब ये कंफ्यूजन भी मैं क्लियर कर देती हूँ, पर उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। और हाँ, जब मैं आपके फायदे के बारे में सोच रही हूँ, आप भी जल्दी से जाकर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली MSME से रिलेटेड अपडेट के बारे में सबसे पहले आपको ही पता चले। तो MSME क्या है और इसके तहत कौन से बिजनेसेस आते हैं, ये तो हमने जान लिया है। पर अब बात जब हमारे बिजनेस को एक लेवल अप लेकर जाने की है, तो फिर MSME से रिलेटेड स्कीम्स को समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उद्योग आधार मेमोरेंडम। बचपन से लेकर आज तक हम सब ने ये बात तो सुनी ही है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब हो या लोन, क्रेडिट, सिक्योरिटी तो पक्की ही होती है। और उद्योग आधार मेमोरेंडम MSME की एक ऐसी ही स्कीम है। पर एक बात जो स्कीम में रजिस्टर करने से पहले आपको याद रखनी होगी वो ये है कि इस स्कीम में आपके पास आधार कार्ड होना मैंडेटरी है, यानी कि जरूरी है। तो अगर आपने अपने बिजनेस को इस स्कीम के अंडर रजिस्टर कर लिया है, तो अब लोन्स, क्रेडिट्स और सब्सिडीज लेने के लिए आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, इस स्कीम में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब लोन लो तो अपने हिसाब से। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। इंडिया में 18.66% GDP कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट के बिजनेस से ही आता है, और जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की ये स्कीम आपको एक्सपोर्ट के बिजनेस में ही हेल्प करती है। तो बेसिकली जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है एक्सपोर्ट होने के लिए, तो उसे एक सेट स्टैंडर्ड पास करना होता है ताकि वो प्रोडक्ट इंडिया रिटर्न ना हो। और ये स्कीम एग्जैक्टली इसी चीज को चेक करती है और इंश्योर करती है कि जो भी प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड पास करने के बाद एक्सपोर्ट हो रहे हैं उस पर बिजनेसेस को रिबेट्स और कंसेशंस मिले। तो अगर आपका बिजनेस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का है, तो ये स्कीम आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन एक ऐसी स्कीम है जो नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करती है, और जिस स्पीड से इंडिया में स्टार्टअप्स की ग्रोथ हो रही है, MSME की ये स्कीम बिजनेसेस के लिए एक सक्सेस की तरह है। जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की बात सोचते हैं, तो एक सॉलिड आइडिया के बाद जो चीज हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है वो होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये स्कीम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, क्योंकि इस स्कीम में रजिस्टर करने के बाद आपके नए बिजनेस आइडिया को 75% से 80% तक गवर्नमेंट फिनांस करती है। तो अब बिना फाइनेंस की फिक्र किए आप कर सकते हैं अपने क्रिएटिव बिजनेस प्लान की शुरुआत। तो ये थी 3 MSME की स्कीम्स जो आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और इन स्कीम्स में रजिस्टर करने के बाद अगर कुछ इंश्योर होगा, तो वो है आपके बिजनेस की प्रोग्रेस और ग्रोथ। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। और हाँ, आपके बिजनेस के लिए कौन सी MSME स्कीम सबसे परफेक्ट है, वो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी MSME के अगले एपिसोड में एक और नॉलेजेबल अपडेट के साथ।